हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिकाश तमंग जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में रैंक 1 हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है बिकाश तमंग जी आपका स्टडी आईक्यू पे और ढेर सारी बधाइयाँ। रैंक 1 इज इनक्रेडिबल। Thank you so much, Study IQ, for giving me this opportunity or making me to say something on your platform. Thank you so much. बिकाश तमंग जी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बता देती हूँ। ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट तक ये इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंचे थे, लेकिन he couldn't get through the merit list. और इस बार he has topped the merit list. तो फिर से एक बार ढेर सारी बधाइयाँ बिकाश जी। Thank you so much. इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले, यानी कि सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन अपीयर में होने से पहले, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रही है? एक्चुअली मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से किया और केंद्रीय विद्यालय से 12th किया। 12th करने के बाद फिर सिंस मैं साइंस स्ट्रीम का था तो उस वक्त इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत स्कोप अच्छा था, तो मैंने फिर इधर अपने बहुत सारे फैमिलीज और रिलेटिव्स लोग से भी बातचीत किया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज प्रोड्यूसिंग एक्चुअली। सो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई स्टडीड इन वन ऑफ द कॉलेज सविता यूनिवर्सिटी इन चेन्नई, तमिलनाडु। तो वहाँ पे मैंने अपना कॉलेज का ग्रेजुएशन किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप एक इंजीनियर हैं एंड नाउ यू आर गोल सेट टू बिकम सब इंस्पेक्टर। तो इंजीनियरिंग से सब इंस्पेक्टर का सफर किस तरीके से तय हुआ? हाँ, एक्चुअली आफ्टर मैंने जब इंजीनियरिंग खत्म किया, सो लाइक आई वाज सिक। मैं थोड़ा मेरे को डेंगू हो गया था। डेंगू होने के बाद देन आई वाज कॉट अप विद चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स होने के बाद फिर लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर आई हैड अ गैप। उसके बाद आई वाज लाइक कुडंट अटेंड एनी ऑफ द इंटरव्यू और मेरे को बहुत सारे कॉल आए थे, तो बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू मैं इंटरव्यू भी अटेंड नहीं कर पाया था। सो उसके बाद आई थॉट ऑफ प्लानिंग कि अब तो कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, तो फिर मैंने एक MNC कंपनी में ट्राई करना शुरू किया एंड आई गॉट रिक्रूटेड इन Amazon डेवलपमेंट ऑफिस इन चेन्नई। And after joining over there, I almost worked there for 1.5 years. And while I was working, I used to get call from, मतलब दोस्त लोग मेरे को call करते थे and they used to ask what you are doing nowadays and how है। तो बचपन से मेरा एक था कि मेरे को वर्दी जॉब लेना है करके, तो like my friends, even my sister-in-law, she's a police officer, so she said you have an age, आपका age है तो try करके क्या हर्जा करके उन्होंने मेरे को motivate किया और मेरे family सबने support किया। So I took a risk, मैंने बोला ठीक है I will just go for it and when I came out of Amazon it was 2017 August something. And after that, मैंने अपना preparation, then I was moved from Chennai to Siliguri totally, मतलब permanent settle होने के लिए। After इधर आने के बाद फिर थोड़ा settlement का थोड़ा issue हुआ। And 2018 में just मैंने starting किया था, and that was the time जब I just got to know कि WBP का सब इंस्पेक्टर का direct enrollment भी होता है। And I just fill up the form, मेरा सब कुछ clear हो रहा था, but सिंस मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा तो मेरे को मालूम नहीं था कि रीजनल लैंग्वेज भी चाहिए, तो मेरा रीजनल लैंग्वेज 10th में नहीं होने के कारण मेरे को हिंदी और बंगाली लिखना था। तो मेरे को बंगाली का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और तो वो ट्रांसलेशन जो 20 मार्क्स का था वो करना नहीं आता था जी। ये तो हमने जाना कि किस तरीके से आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे, Amazon में जॉब कर रहे थे और वहां से सिलीगुड़ी का सफर कैसे तय हुआ और फिर फाइनली जो आपकी जर्नी थी सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की वो शुरू हुई। बिकाश जी, इस एग्जामिनेशन में जैसे आपने बताया कि वेस्ट बंगाल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है सब इंस्पेक्टर के लिए, आपको पता चला क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है और क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए? इसका एज क्राइटेरिया आपका 28 है फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर SC/ST इट इज 33 और उसके बाद ग्रेजुएशन इज मस्ट। ग्रेजुएशन तो जरूरी है इसमें एंड और तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, ग्रेजुएशन इज मस्ट और इतना ही है बस। एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बताइए। आपका पहले फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म फिलअप के 2-3 महीने बाद आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है और प्रीलिमिनरी टेस्ट होने के कुछ महीनों बाद आपका रिजल्ट पब्लिश होता है और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सर्टेन हाइट रहता है जो कि उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, हाइट एंड चेस्ट फॉर मेल्स। और उसके बाद वो खत्म करने के बाद देन यू विल बी अलाउड फॉर रनिंग 800 मीटर्स विद इन 3 मिनट्स। अगर आप वो 3 मिनट्स में आ गए तो यू आर क्वालिफाइड फॉर मेन्स एग्जामिनेशन। आप अगर नहीं आ पाए तो देन यू विल बी डिबार्ड। एंड उसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन होता है एंड मेंस एग्जामिनेशन होने के बाद मेंस एग्जामिनेशन में यू हैव 3 पेपर्स। फर्स्ट पेपर इज जनरल स्टडीज, मैथ्स एंड रीजनिंग जो कि मिलके आता है, कंप्राइजिंग ऑफ 3 सब्जेक्ट एट वंस। 2 आवर्स का पेपर होता है एंड ऑल आर सब्जेक्टिव, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन डिस्क्रिप्शन। एंड सेकंड पेपर इज इंग्लिश पेपर एंड थर्ड पेपर इज Bengali or Nepali and Hindi, Urdu and all that. People who are opting for Hindi, Urdu, they have to translate one paragraph into Bengali. And after that, you will be called for personality test. And once you clear the personality test, you will be selected. विकास जी, आपने पूरी एग्जामिनेशन पैटर्न का बहुत अच्छे से ओवरव्यू दिया। अब हम अलग अलग स्टेज की बात करते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, इसके लिए कैसे तैयारी करनी है? तो प्रीलिमिनरीज आपका वही जैसे आपका यू हैव जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट्स एट वंस, एमसीक्यू, ऑल ऑब्जेक्टिव। So, मैंने जीएस के लिए आई हैव फॉलोड रिलीजियसली टू स्टडी IQ। विपिन सर का एंड गौरव सर जो करंट अफेयर्स पढ़ाते थे, इट यूज्ड टू रन लाइक इंजन। तो वो मेरे दिमाग में इंजन ऐसा दौड़ता था। एंड और वेरियस फैकल्टीज का मैं सुनते रहता था। सो दैट हेल्प मी फॉर cracking in the GS part, that helped me to crack the or most of the questions GS ka rehta hai, so that helped me to crack the preliminary examination. Prelims although qualifying hota hai but isme negative marking bhi hoti hai, to kis tarike se aap negative marking apni kam kar sakte hain aur jo accuracy hai usko badha sakte hain? हाँ, तो एमसीक्यू में बेसिकली हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल द आंसर्स विल बी वेरी मच सिमिलर एंड क्लोज टू इट। तो वही मैं स्टडी IQ को रिलीजियसली फॉलो करता था, तो दे यूज्ड टू मतलब वो मेरे को हेल्प किया। तो मैं जब एग्जामिनेशन में बैठा तो इट यूज्ड टू रन ऑन माय माइंड कि व्हाट विच स्ट्रैटेजी आई हैव टू यूज। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहता था, व्हाट एवर आई नो आई विल गो, मैं उसको ही करूंगा और व्हाट आई डोंट नो आई विल स्किप इट नो मैटर व्हाट। इवन इफ आई एम अटेंडिंग 10 to 12 क्वेश्चन इट्स ओके फॉर मी, पर मैं दैट विल बी माय प्रिसाइज और उसको मैं परफेक्टली करूंगा और बाकी जो नहीं आता मैं छोड़ देता हूँ। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी। एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जैसे पीटी भी कहते हैं, उसके पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपके हाइट एंड चेस्ट के मेजर्स लिए जाते हैं। बट हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो पीटी होता है जिसमें 800 मीटर रनिंग होती है इन 3 मिनट्स। आपने क्या कुछ स्पेसिफिक तैयारी की थी? हाँ, इसके लिए एक्चुअली सिंस इट वाज द मंथ ऑफ विंटर तो थोड़ा बहुत लेजीनेस होता है, तो मुश्किल ही पड़ता है दौड़ने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग निकलो फिर जाओ दौड़ने के लिए। तो मैं क्या करता था कि मेरा उतना हैबिट नहीं था, थोड़ा बहुत ज्यादा था। तो आई थॉट कि नहीं, दिस इज माय चैलेंज, सो आई हैव टू करना ही पड़ेगा करके आई टुक इट एज अ चैलेंज। तो मैंने उसको चैलेंज लेके फिर मैं अर्ली मॉर्निंग में, मेरे फ्रेंड्स लोग भी थे तो उन लोग मेरे को ले जाते थे और हम लोग पहले तो मैं नॉर्मली रनिंग करने लगा विदाउट टाइम बैरियर। उसके बाद कुछ हफ्तों बाद मैंने फिर बोला कि अब मैं टाइम के हिसाब से करूँगा। तो मेरे यहाँ पे ग्राउंड भी है तो मैं वहाँ जाके फिर प्रैक्टिस किया। और ग्राउंड पे मैं ग्राउंड पे थोड़ा टाइम लगा था, 3.10 समथिंग लगा था। बट मैं जब वहां पे गया और जब मेरा रनिंग हुआ तो आई वॉज थर्ड और मैंने 2.45 सेकेंड समथिंग में खत्म कर दिया था वहां पे रनिंग। so, पीटी ऑब्वियसली बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है जब हम इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। डिसिप्लिन और डाइट कितना जरूरी है? डिसिप्लिन मैं यही बोलूंगा कि डिसिप्लिन इन द सेंस वही है आपका मतलब एक स्ट्रिक्ट आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप इस टाइम में आप भागोगे करके। तो इफ यू स्किप दैट विल बी अ वेरी मच ट्रबलसम। आपको फिर बार बार आप उस रूटीन को स्टिक करेंगे कि मैं मेरा ये है कि मैं हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग भागता हूँ, मैं शाम को नहीं भाग सकता क्योंकि आफ्टर फूड इट विल बी वेरी मच मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा करके मैं नहीं भागता था। सो आई यूज्ड टू स्टिक इन द अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 समथिंग आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू कम बैक बाय 7:30 ऐसा। तो और डाइट का देखा जाए तो घर का होम फूड इज ऑलवेज द बेस्ट फूड, तो वही है घर का। और मैं अकेला रहता था तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी बनाता एंड आई यूज्ड टू टेक वही चना और ये सब खा के जो मतलब नॉर्मल है वही सब, अब तो कुछ स्पेशल किया नहीं। पीटी के बाद चलते हैं और बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस में 3 पेपर्स होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, आपने बताया अलग अलग पेपर को कैसे आपने टैकल किया और कितना अलग अलग एग्जामिनेशन के वेटेज है मार्क्स वाइज? हाँ, तो इसका मैं ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टडी आईक्यू का बहुत ही मेरे को हेल्प मिला कि द वे दे यूज्ड टू, मैं हिंदू एनालिसिस एकदम फॉलो करता था, मतलब मैं पढ़ता भी खुद और मेरे को जहाँ समझ में आता था आई यूज्ड टू गो थ्रू द हिंदू एनालिसिस। पहले वो अमित सर पढ़ाते थे, उसके बाद फिर प्रशांत सर पढ़ाने लगे, तो एवरीथिंग आई यूज्ड टू गेट मतलब मेरे को न्यूट्रलाइज व्यू मिलता था, नॉट किसी तरफ लीन नहीं वाला। तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन राइटिंग द जीएस पेपर इन डिस्क्रिप्टिव। और मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा ओके था, मेरे को कोई इतना दिक्कत नहीं हुआ। तो जीएस में मेरे को थोड़ा डर लगता था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मैं उतना न्यूट्रल लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा करके, लाइक हाउ टू गो फॉर इट। तो मैं पेपर्स मेरे को हेल्प किए और फिर मैं 1-2 बुक्स भी फॉलो किया और फिर मैं स्टडी आईक्यू के बहुत सारे लेक्चर्स वेक्चर्स भी सुनता था, तो उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। और इंग्लिश वही मेरे को मैं ऐसे इधर उधर 1-2 मेरे को सिंस लास्ट ईयर का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि कैसे इसको टैकल करना है, तो उसी चीज को मैंने और थोड़ा जो मेरा ब्लंट था उसको मैंने थोड़ा शार्प किया और मैंने इस एग्जाम में कोशिश किया। एक्चुअली हम लोग के पेपर में क्वेश्चंस भी आए थे, तो स्टडी आईक्यू का जो भी जितने भी वीडियोस थे स्टडी अबाउट कोरोना उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। तो वहाँ पे आई कुड राइट, एक्चुअली वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो लेक्चर्स थे वो मेरे दिमाग में चल रहा था, एंड वाज रनिंग ऑन माय माइंड के जो लेक्चर्स के जितने भी ऑडियो क्लिप्स है वो मेरे दिमाग में चल रहा था एंड आई वाज जस्ट राइटिंग, नरेशन टाइप का हो गया था मेरे एग्जामिनेशन में। तो हाँ, तो इसमें पेपर्स का अबाउट पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, वेयर इन जीएस इज ऑफ 50 मार्क्स, जीएस का आपका वेटेज रहेगा, मैथ्स इज ऑफ 25 मार्क्स एंड रीजनिंग इज ऑफ 25 मार्क्स। एंड पेपर 2 प्योर इंग्लिश, यू हैव टू राइट रिपोर्ट राइटिंग, एसेस एंड सिनोनिम एंटोनिम, वो कंप्राइजिंग होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होता है। और लास्ट पेपर इज ऑफ हिंदी और बंगाली रीजनल लैंग्वेज में, सॉरी नेपाली एंड बंगाली, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी उर्दू संस्कृत टू, पर आपको वो भी 50 मार्क्स का रहता है। एंड यू हैव टू, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर हिंदी उर्दू संस्कृत, आपको 1 पैराग्राफ आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा बंगाली में, दैट इज मैंडेटरी एंड इट कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। आपने बताया कि जो पहला एक अटेम्प्ट आपने दिया था उसमें आपको लैंग्वेज पेपर में थोड़ी दिक्कत आई थी। हाँ जी, पहला पे एक्चुअली बंगाली मेरे लिए बहुत न्यू था, अल्फा एंड गामा टाइप का था, मैंने कभी बंगाली लाइफ में कभी पढ़ा नहीं था, मतलब केवी स्कूल से पढ़ा तो केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा, तो मेरा रीजनल लैंग्वेज में उतना पकड़ नहीं था। हिंदी वाज ओके फॉर मी, हिंदी भी 10 तक पढ़ा, उसके बाद तो छूट गया, हिंदी का भी उतना ये नहीं था। तो राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ऑन लैंग्वेज पेपर्स वाज वेरी मच टफ फॉर मी, तो उसको मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे को हिंदी सीखने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग गया था। तो हिंदी वैसे पकड़ था, पढ़ता था मैं बुक्स वुक्स पर, रिटन का मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं था. देन आई स्टार्टेड राइटिंग, मतलब मैंने फिर शुरू किया, शुरू करते करते. और बंगाली तो ये था कि मेरा, मैं दोस्तों से उनको पूछ पूछ के बोलता था कि मेरे को बता, मैं बैनर वैनर देख के भी उनको पूछ पूछ के. और मैंने एक दो ऐप भी डाउनलोड किए बंगाली के, और वो सब मैं देख देख के, जैसे बच्चा पढ़ता है अल्फाबेट्स, वैसे मैंने अल्फाबेट्स पढ़ पढ़ के उस चीज को सीखा और फिर किया मैंने. ये तो हमने लैंग्वेज पेपर की आपकी जैसे स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से आपने एकदम स्क्रैच से तैयारी शुरू की थी. बाकी दोनों पेपर्स की बात करें तो कैसे आप लिखते थे, लिखने की प्रैक्टिस कैसे थी, क्या ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड करते थे आप क्वेश्चंस में? हाँ, मैं इसका ये कहूँगा कि लिखता हूँ, तो डायरी लिखने का मेरा छोटा मोटा लाइक हॉबी है, वन ऑफ द हॉबी. तो मैं इसको ये कहूँगा कि वो मेरे को हेल्प किया थोड़ा बहुत. और राइटिंग इज समथिंग, अगर आप नहीं लिखोगे तो आप भूल ही जाओगे एक ना एक दिन. तो मैं इसको ये कहूँगा कि ये मेरा थोड़ा बहुत हैबिट था. मैं मतलब कोई भी मेरे को इम्पोर्टेंट चीज लगता है तो आई स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. आंसर्स की कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरिंग आप करते थे? आंसर्स मेरा ऐसा रहता था कि मैं सोचता था कि मैं हर चीज का बिगिनिंग लिखता था, फिर उसका मिड पार्ट लिखता था, फिर उसका कंक्लूजन लिखता था. तो ये मेरा स्ट्रक्चर रहता था. बिगिनिंग मतलब उस चीज को मैं डिफाइन करता था, फिर बीच में उस चीज को डिफाइन करके, वो चीज क्या है उसको डिफाइन करके फिर उसके बारे में लिखता था, फिर कंक्लूड करता था. तो ये मेरा स्ट्रक्चर था. हमने प्रीलिम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट और मेंस की बात कर ली. हम आपके पर्सनालिटी टेस्ट जो कि आखिरी लेवल होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट में लाइक मेरा वे इजी था अगर मैं बोलूं, तो अपने खुद के सब्जेक्ट के ऊपर उतना क्वेश्चन नहीं किया गया. इट वाज ऑल रिलेटेड टू द जॉब व्हिच आई एम गोइंग टू गेट एनरोल्ड. तो मेरे को एक क्वेश्चन अभी भी याद है, मेरे को पूछा गया था कि एसआरटी टाइप का था कि व्हाट विल बी, मतलब पुलिस लोग अपने एवरीडे लाइफ में क्या प्रॉब्लम टैकल करते हैं. सो तो मैं उस वक्त मैंने ये बोला कि लाइक पीपल वायलेट्स. सो ऐसा बहुत टाइम होता है कि पीपल वायलेट द ट्रैफिक रूल्स एंड दे गेट वायलेंट दैट टाइम व्हेन पुलिस वांट टू कंसल्ट देम. सो दैट वाज द वन आंसर व्हिच आई गिव. एंड रायट्स में भी बहुत हैसल होता है, एंड क्योंकि रायट्स में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. तो ये दो आंसर मैंने दिया था, एंड इंटरव्यू वाज ओके मेरे लिए. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. आपने बहुत सारे लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू गाइड किया होगा कैसे सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, और मोरोवर आप किस तरीके से चीजें अलग करके और माइन्यूटली ऑब्जर्व करके आप रैंक 1 भी ला सकते हैं. कुछ फाइनल टिप्स एंड सजेशंस? हाँ, मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज, मैं स्टडी IQ में मैं जब बैटल सीरीज देखता था तो मेरे दिमाग में वो बैटल चलते थे एक्चुअली, जैसे कोई फिल्मों में चलता है वैसे मेरे दिमागों में चलता था. आई यूज्ड टू गो बैक टू दैट टाइमलाइन और मेरे को, मैं उस चीज को विजुअलाइज कर रहा था. सो आई थिंक, और स्टडी IQ को मैं एक रेडियो जैसे सुनता रहता था, मैं खाना बनाऊं उस वक्त भी सुनता रहता था, लोग गाना वाना सुनते हुए, पर मैं यूट्यूब खोल के यही सब सुनते रहता था अबाउट लेक्चर्स, रिलीजन और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या करना चाहिए. सो इट स्टार्टिंग इट वाज लिटिल बिट टफ, बट व्हेन इट गेट एन हैबिट आई गॉट एडिक्टेड टू इट. सो आई थिंक वो ये नॉलेज इज अ वेपन, और ओशन ऑफ नॉलेज में स्टडी IQ इज द वन हु गिव्स यू द पर्ल भाई उन लोग के एक्सपर्टाइज से. So that's it. Thank you so much, Bikash ji, हमारे साथ जुड़ने के लिए, and congratulations on getting rank 1 in West Bengal Sub Inspector Examination. आपके उज्जवल भविष्य की हमारी पूरी टीम कामना करती है.